जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए है। जैसा कि आपको पता है मित्र, आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। ये टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र, इससे एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली है मित्र। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मित्र, मैंने आज की इस क्लास में कलेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद आपको श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आज की इस क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश की है मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ना होगा। पहले टॉपिक क्या थी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं, जिसे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं दो क्लास में। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला को मैंने दो क्लास में कम्प्लीट कर लिया है। तद्भव एवं तत्सम भी दो क्लास में कंप्लीट हो चुका है मित्र। पर्यायवाची एक क्लास में हुई है, विलोम भी एक क्लास में हुआ है, अनेकार्थी भी एक क्लास में कंप्लीट हो चुका है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द भी एक क्लास में हो चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप भिन्नार्थक शब्द। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्र, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मित्र। सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्रेस कर देंगे मित्र। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हम टेस्ट को लगाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं युग्म शब्द की परिभाषा क्या है। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण प्रायः समान होता है, अतएव ऐसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करें, युग्म शब्द अथवा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक का अर्थ है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ देने वाले, यानी अलग अर्थ देने वाले। सुनने में तो समान लगे लेकिन उनका अर्थ जो है अलग अलग लगे, उन्हीं को कहा जाता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो चलिए मित्र आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये कोई मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ लिख दिया है, इसे आप पढ़ लेना, उसके बाद टेस्ट करना। इसे हमें PDF के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी या WhatsApp ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ अच्छे से पढ़ लेना मित्र। कुछ क्वेश्चन मैं टेस्ट में करूँगी और कुछ यहाँ आपको दे दिया गया है, इसे पढ़ लेना। हम पढ़ेंगे तो भी और आप पढ़ेंगे बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसलिए हम इसे टेलीग्राम पर दे देंगे कि इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। जितने भी इम्पोर्टेंट बन सकते थे मैंने यहाँ देने की पूरी कोशिश की है मित्र। कुछ क्वेश्चन मैं आज टेस्ट में लगाऊंगी जो आदित्य पब्लिकेशन में दिया गया है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ हल करने वाली हूँ मित्र। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय का अर्थ क्या होता है और उभय का अर्थ क्या होता है, फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभय का होता है निर्भय, अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का होता है दोनों। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर टू का जो भी भाई बहन बता रहे हैं अली का अर्थ होता है भौरा और अली का होता है सखी, बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री इसका राइट आंसर बताना है। युग्म शब्द कौन सी जोड़ी सही है, कौन सी जोड़ी श्रुति संभिन्नार्थक की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है, फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, सुनने में एक जैसा कौन सा लग रहा है, अचल और अचला। अचल और अचला जो है ये सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन अचल का अर्थ होता है मित्र स्थिर। क्या होता है, अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन और दीन का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, दिन का अर्थ होता है दिवस, बिल्कुल सही बता रहे हो, और दीन का होता है गरीब। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का होता है गरीब, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर बताना है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इसमें बताना है किसके अर्थ बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखे गए हैं। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है मित्र तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं आकर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का होता है आकृति। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। कुल का तो वंश होता है लेकिन कुल का शीतल नहीं होता, क्या होता है? कुल का तो वंश होता है लेकिन कुल का क्या होता है? किनारा होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। निर्जर का तो क्या होता है? निर्जर का मित्र, निर्जर का सुनरू नहीं होता, निर्जर का क्या होता है? देवता होता है, क्या होता है? देवता होता है। और निर्जर का झरना होता है, तो ये भी अशुद्ध है क्योंकि यहाँ शून्य लिखा गया है देवता के स्थान पर। और चौथा क्या दिया गया था? शर और सर, तो शर का अर्थ तो होता है क्या? बाढ़ होता है, लेकिन सर का अर्थ भला आदमी नहीं होता, क्या होता है? तालाब होता है। तो ये सब तो अशुद्ध थे, पहला जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया था, आकर और आकार, आकर का खान और आकार का आकृति, ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। चिर और चीर का अर्थ क्या है? चिर और चीर का अर्थ क्या हो जाएगा मित्र? क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। चिर का होता है पुराना और चीर का होता है कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? यानी पूछ रहा है आपसे मंदिर और मंदिरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, मंदिर का अर्थ होता है देवालय, बिल्कुल सही, और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? आद और व्याधि का दिया गया है, इसमें पूछ रहा है आदि का अर्थ क्या होगा। व्याधि भी बता दीजिए, व्याधि का भी अर्थ क्या होता है, लेकिन आदि का इसमें ऑप्शन दिया गया है, कौन सा हो सकता है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं आदि का क्या होता है? मानसिक कष्ट, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और व्याधि का क्या होता है? शारीरिक कष्ट या चिंता। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं आदि का अर्थ मानसिक कष्ट और व्याधि का शारीरिक कष्ट या चिंता, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, शक्ल और शक्ल का अर्थ क्या होता है? शक्ल और शक्ल का अर्थ क्या होता है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। शक्ल और शक्ल का सही अर्थ पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं शक्ल का अर्थ होता है संपूर्ण और शक्ल का होता है अंश, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है? अनिल और अनल का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है,
फटाफट बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? अनिल का होता है हवा। क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है हवा और अनिल का होता है आग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। फटाफट बता दो इसमें कौन सा श्रुति सम भिन्नार्थक की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो लिखा गया रात्रि और निशा एक दूसरे के पर्यायवाची है, किरण रश्मि ये भी पर्यायवाची है, अभिलाषा इच्छा ये भी पर्यायवाची है, लेकिन कौन सा बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है मित्र, ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। कुल का अर्थ क्या होता है? वंश होता है, और कुल का क्या होता है? किनारा होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े के पहचानिए। कौन सा जोड़ा श्रुति सम भिन्नार्थक की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया, यानी सुनने में समान हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, तो कौन सा जोड़ा है जो सुनने में समान लग रहा है? तो बिल्कुल सही है, अपेक्षा और उपेक्षा जो है ये सुनने में समान लग रहा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रही है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अपेक्षा का अर्थ होता है क्या होता है मित्र? तुलना। क्या होता है? तुलना होता है। और उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? तिरस्कार होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। संसार और जगत, दिन और दिवस, शाम और संध्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा जो है ये भिन्नार्थक शब्द हैं, सुनने में समान है लेकिन इनका अर्थ अलग है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आपके सामने एक शब्द दिया गया है अंबुज और अम्बुद। अंबुज और अम्बुद का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल, अंबुज का अर्थ होता है मित्र कमल। क्या होता है? कमल होता है। अंबुद का होता है बादल। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए, यानी यदा और कदा का सही अर्थ क्या होता है मित्र? फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रही हैं। यदा का अर्थ होता है जब, और कदा का अर्थ होता है कब। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। नियत और नियत शब्द युग्म का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है मित्र। तो प्लीज़ कर दिया करो, अगर तनिक भी हेल्प मिल रही है आपको इस क्लास से तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं नियत जो है ये निश्चित होता है, नियत जो है निश्चित होता है, और नियत जो है ये इरादा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बताना है। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभी आपने बताया था ऊपर, लेकिन फिर से आ गया, तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, 16 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता दो चर्म शब्द का
समभिन्नार्थक क्या है, यानी चर्म का समश्रुति भिन्नार्थक क्या हो जाएगा जो सुनने में चर्म जैसा लगे लेकिन अर्थ अलग हो। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो बिल्कुल सही, चर्म और चरम जो है ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। चर्म और चरम जो है ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन मित्र चर्म का अर्थ होता है क्या होता है, चर्म का अर्थ होता है मित्र चमड़ा, और चरम का होता है अंतिम। क्या होता है, अंतिम होता है चरम का अर्थ और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाड़ी गाढ़ी शब्द युग्म के सही अर्थ युग्म चुने, यानी गाड़ी और गाढ़ी का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 18 का जो भी भाई बहन बता रहे, गाड़ी का होता है निकाली, क्या होता है निकाली, और गाढ़ी का होता है गिरी। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है, शब्द युग्म प्रयत्न और प्रियंक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा मित्र, प्रयत्न और प्रियंक के सही अर्थ पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो बिल्कुल सही, प्रयत्न का अर्थ होता है तक और प्रियंक का होता है पलंग। तो जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने संकर और शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, 20 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, शंकर का होता है शिव अर्थात भोलेनाथ महादेव जी, और शंकर का होता है मिश्रित जाति का, मिश्रित जाति को शंकर कहा जाता है, और शंकर जो है ये महादेव शिव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने अंबुज और अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ है, फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा मित्र, अंबुज और अम्बुद शब्द का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, अंबुज का अर्थ होता है मित्र कमल, और अम्बुद का अर्थ होता है सागर। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। मित्र आपके आज क्वेश्चन कम थे क्योंकि आधे तो पब्लिकेशन में मित्र केवल 21 क्वेश्चन दिए गए थे, और पढ़ने वाला मैंने यहाँ दे दिया है, इसे आप लोग पीडीएफ के रूप में पढ़ लेना। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु जी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहाँ आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, या वह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे दे दी जाएगी मित्र। बात करते हैं मित्र क्लास की, तो क्लास बात करते हैं क्लास की, तो जीके जो है मित्र ये टॉपिक वाइज होती है, यानी थ्योरी होती है, सुबह 8:30 बजे जीके की थ्योरी होती है। रीजनिंग जो है ये सुबह 10 बजे होती है। मैथ जो है ये 6:00 बजे होती है। हिंदी की क्लास 7:00 बजे होती है। जीके का टेस्ट जो है मित्र आपको सुबह 8:30 बजे पढ़ाया जाएगा, उसी का टेस्ट शाम को 7:30 बजे होगा, और साइंस की क्लास जो है ये रात को 8:00 बजे होगी। सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर करके ज्वाइन हो जाना है मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र, और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है मित्र तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।